हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपका थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट स्टडी करते हैं और पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। सो स्टूडेंट्स, इट स्टेट्स दैट इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वान्टिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द दो चीज़ों का रिलेशनशिप दिखाया हुआ है। एक क्वान्टिटी डिमांडेड, क्वान्टिटी किसकी डिमांड हो रही है? क्वान्टिटी डिमांड हो रही है किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की। तो उस क्वान्टिटी डिमांडेड को अगर मैं क्यू एक्स से प्रजेंट करता हूँ और ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी को पी एक्स से, क्योंकि जो पी एक्स एक्स यहाँ पर डिनोटिंग हो रहा है, एक्स शो कर रहा है, एक्स को शो कर रहा है कमोडिटी को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। और पी एक्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो ये कहती है कि अगर पी एक्स इंक्रीज होता है तो क्यू एक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज इन बिटवीन इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। वहीं पर अगर क्यू पी एक्स डिक्रीज होता है तो जो क्वान्टिटी ऑफ एक्स है वो इंक्रीज होगी। सो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है। और लॉ ऑफ डिमांड ये थ्योरी को एक्सप्लेन करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस ऑफ कमोडिटी के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होती है। नाउ अब हम इसको एक शेड्यूल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं और थ्रू द कर्व इसको हम डिमांड कर्व भी अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो पहले टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। इस टेबल में मैंने दो चीज़ें, दो क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दो वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला जो वेरिएबल है वो पी एक्स को शो करता है। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, इसको पी एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्यू एक्स रिप्रेजेंट करता है क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी ऑफ एक्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो मैंने उसी के रेफरेंस में दोनों वेरिएबल्स लिए हैं, पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो प्राइस ऑफ एक्स पहले 10 रुपीज़ है, तो कस्टमर जो है 10 क्वांटिटी की डिमांड करता है। अब नेक्स्ट जो प्राइस है वो ड्रॉप हो जाता है और वो 8 रुपीज़ हो जाता है। तो उस कंडीशन में कस्टमर जो है अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज़ कर देता है। ऐसे ही फिर 8 to 6, 4, 2 और इसी तरह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती चल जाती है। अब हम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कर्व, तो एक्स एक्सिस पे हम पुट करेंगे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे पुट करेंगे प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक्स भी स्टडी कर रहे हैं, दिस इज ओरिजिन। और अगर मैं यहां पर प्राइसेस को डिस्प्ले करता हूं 2, 4, 6, 8 and 10 और एक्स एक्सिस पे मैं रखता हूं क्वांटिटीज को 10, 20, 30, 40, 50। आप देखेंगे पहली बात तो जहाँ पर टेबल में ही हमें यह चल रहा है कि दोनों के बीच में जो है इनवर्स रिलेशनशिप है। जबकि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। अब हम इसको कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जो कर्व हमें आता है इट इज लाइक दिस, स्ट्रेट कर्व आएगा और डाउनवर्ड किसको शो करेगा, डाउनवर्ड। अब जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है डिमांड कर्व की, मैं इसको डी डी डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। और डाउनवर्ड जो स्लोपिंग है वो इनवर्स रिलेशनशिप को शो करेगा, है ना। लाइक जब प्राइस है 2 रुपीज़ तो क्वांटिटी डिमांडेड है 50 रुपीज़, जब प्राइस है 4 रुपीज़ तो क्वांटिटी डिमांडेड है 40, जब प्राइस है 6 क्वांटिटी डिमांडेड है 30, द प्राइस है 8 क्वांटिटी डिमांडेड है 20 एंड व्हेन द प्राइस इज 10 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 10। तो जो डिमांड कर्व आएगा वो डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन होगी। और डाउनवर्ड स्वॉपिंग ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ एक्स। नाउ लेट वी डिस्कस द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस ये शो करती है कि जब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एज्यूम की गई है,
जब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। एग्जम्पशंस अगर मैं आपको बताऊं, जब हम स्टडी कर रहे थे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने या डिमांड फंक्शन में स्टडी किया था कि प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सपेक्टेशन। और जब हम मार्केट फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन को पढ़ रहे थे, तो उसमें दो चीज़ें और ऐड हो जाती थी, नंबर वन टाइप ऑफ पॉपुलेशन आपका एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो एजम्पशंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब डेफिनेशन बताया गया इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स यहाँ पर है कि प्राइस ऑफ एक्स को छोड़ के, प्राइस ऑफ एक्स को तो हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशन विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, तो इन दोनों को तो हम स्टडी कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं अगर हम उसको कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लें, देन लॉ ऑफ डिमांड विल बी अप्लाई। अब क्या क्या चीज़ें थी, मैं कह सकता हूँ कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर बी कॉन्स्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का कॉन्स्टेंट होना चाहिए, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ रिटेल गुड्स शुड नॉट चेंज, जो प्राइस ऑफ रिटेल गुड्स हैं उनके प्राइस नहीं चेंज होने चाहिए, और कंज्यूमर डू नॉट एक्सेप्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमोडिटी, तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम मार्केट डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें भी नेगलेक्ट कर देंगे या इनको कॉन्स्टेंट एज्यूम करेंगे। So that's all for the law of demand. Thank you, students.